45 वर्षीय अधेड़ ने एक साथ इस साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने का किया प्रयास। धारा 376 511 पॉस्को एक्ट में तहत मामला दर्ज। खबर पोहरी से आ रही है। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के कमलाखेड़ी गांव से आ रही है, जहां गांव के ही एक 45 साल के अधेड़ ने एक 7 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। इस मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने पुलिस थाना पोहरी में की है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। जानकारी के अनुसार 7 साल की मासूम निवासी कमलाखेड़ी ने पुलिस थाना पोहरी में शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने घर से खलियान में कंडे लेने गई थी। उसकी 7 साल की बेटी खनियान में खेल रही थी, तभी आरोपी पूरन पुत्र गरीबा जाटव उम्र 55 साल निवासी कमलाखेड़ी आया और 7 साल की मासूम को खाट पर लिटाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ रेप करने का प्रयास करने लगा। तभी मासूम की मां आ गई और वह चिल्लाई तो आरोपी मौके से भाग गया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस थाना पोहरी में की, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा 376 511 भादवी 6/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सामने आया पूरा क्या कुछ घटनाक्रम रहा है मैम, और पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई? जी, फरियादिया ने आज अपने पति और अपनी 7 साल की बच्ची के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया है कि उसके घर में रहने वाले एक 40-45 साल के युवक ने उसकी 7 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास किया था, और फरियादिया उसी समय पहुंच गई घटनास्थल पे, जिससे कि वह ऐसा नहीं कर पाया। चूँकि फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना पोहरी पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में ले लिया गया। मैम, आरोपी फरार हो गए? जी, अभी आरोपी फरार है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, तो शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।